ये जो बिल लाया जा रहा है ये मुस्लिमों के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड पे कब्जा करने की नीयत है। मोदी सरकार कुछ अहम फैसले लेने जा रही है, उसमें चाहे वक्फ संशोधन बिल रहा हो या हाल फिलहाल में कैबिनेट में पास हुआ एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे फैसले मोदी सरकार ले रही है। बात अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की जाए, उसके लिए संसदीय समिति JPC बनाई गई है, जिसको कुछ समय बाद यह कहा जाए कि अगले सत्र के अंतिम सप्ताह में वो रिपोर्ट देगी कि संशोधन किस तरह से होने चाहिए, संशोधन का लाभ क्या हो सकता है और संशोधन के आखिर मायने क्या रहेंगे। इसी प्रकार से देखा जाए एक देश एक चुनाव को लेकर भी मोदी सरकार ने फैसला लिया है, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, सदन में बिल को पेश किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता जयाल हुसैन चांदमिया जी हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मुसलमानों के लिए क्या नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, क्या लाभ मिल सकता है अगर वक्फ बोर्ड संपत्ति को देखा जाए, किस तरह की निगरानी सरकार चाह रही है, किस तरह का संशोधन चाह रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है GD न्यूज में सर। और बात हम यहीं से शुरू करते हैं, कुछ फैसले अहम फैसले लिए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की अगर हम बात करें, तमाम तरह का विरोध हो रहा है, मुस्लिम चाह रहा है कि किसी तरह का संशोधन मंजूर नहीं है, हिंदू चाह रहा है कि जय वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए तो बेहतर है, सरकार चाह रही है कि संशोधन किया जाए तो कुछ और अच्छा हो सकता है। सर कैसे देखते हैं आप इस संशोधन बिल को? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। जहां तक वक्फ बोर्ड के बिल की बात है तो मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं इस बारे में, लेकिन जहां तक है थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में यही कहूंगा कि सरकार ने ही। सर आप सरकार में हैं, भाजपा में नुमाइंदगी करते हैं, भाजपा के आप वरिष्ठ नेता हैं और सदन में जो है बिल को जो है संशोधन के लिए भेजा जा रहा है, समिति गठित की जा रही है और आप कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, उसका आपका सीधा सीधा वास्ता आपका रहता है वक्फ बोर्ड से। सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि चांदमिया साहब को जो है इसकी जानकारी ना हो, ना बताने वाली बात है तो आपकी इच्छा हो सकती है सर कि नहीं, नहीं, ना बताने वाली बात नहीं। जब सरकार ये संशोधन बिल लाई तो इसका विरोध हुआ, सरकार ने ही GPC में सदस्य नामित कर दिए, 31 सदस्यों की समिति बनी लोकसभा राज्यसभा से। तो अब उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें हर पार्टी के, हमारी पार्टी के भी और कांग्रेस सपा एक वैसे दिन वैसी पक्ष विपक्ष के हर व्यक्ति को उसमें रखा गया है। अब वो रिपोर्ट देगी अपनी, उसके बाद फिर आप मेरे से क्वेश्चन करना कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद दूंगा जवाब। नहीं तो फिर तो मायने खत्म हो जाएंगे। नहीं मायने क्यों खत्म हो जाएंगे? नहीं मायने जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर तो वजह ही खत्म हो जाती है ना सर। बात अभी हो रही है कि मुस्लिम कैसे देखता है, मुस्लिम संशोधन बिल को कैसे देखता है। आप दो पक्षों को जोड़ रहे हैं सर, आप मुस्लिम है वास्तव आपको मुस्लिम समाज से है और वक्फ बोर्ड जो है संपत्ति मुस्लिम समाज की जो दान की संपत्ति मानी जाती है और BJP में आप जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, BJP के वरिष्ठ नेता हैं, तो सर आप तीनों पहलुओं से कहीं ना कहीं वास्ता रखते हैं और ऐसे में जो है जब समिति रिपोर्ट देगी सबको पता चल जाएगा। हाल फिलहाल में जो मुस्लिम कैसे देखता है जो उसका विरोध कर रहा है? मुस्लिम तो इसको इस नजर से देख रहा है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये मुस्लिमों के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड पे कब्जा करने की नीयत है, सरकार की कब्जा करने की नीयत है। लेकिन आप BJP में नुमाइंदगी करते हैं, BJP के वरिष्ठ नेता है, क्या आपको लगता है कि जो सरकार वक्फ बोर्ड को या किसी तरह का नुकसान देना चाहती है? अभी इसके जो पहलू है जो सरकार जिसलिए चेंज करना चाह रही है उसकी मुझे नॉलेज नहीं है कि सरकार ने किन किन बिंदुओं पर जो है उसमें संशोधन करना चाह रही है। लेकिन एक बात ये नियत की भी हो जाती है ना सर। चलो ठीक है मान लेते हैं कि जो संशोधन अभी पिछले दिनों एक बात आई थी जब हमारा चुनाव चल रहा था, जब मोदी जी का एक नारा आया अब की बात 400 पार, राहुल बाबा ने जो है कहा जाए या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी ने जो संविधान को हाथ में लिया, संविधान बचाओ अभियान पे निकल के बड़ा फर्क उस पर पड़ा है।
तो क्या लगता था कि सरकार की नीयत या मोदी जी की नीयत जैस तरीके थी संविधान में संविधान को बदल देंगे? ऐसी नीयत नहीं। सबसे बड़ा संशोधन अगर हुआ है तो यह संविधान में कांग्रेस के समय में हुआ है, और कांग्रेस वाले लोगों ने जो उसको हाथ में उठा के पूरे देश में घुमा दिया। बाबा साहब के संविधान में किसी ने संशोधन किया है तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संशोधन किया है। अभी मैं बात करता हूँ संशोधन बिल वक्फ बोर्ड पर जो आ रहा है, क्या सरकार की नीयत वक्फ बोर्ड को खत्म करने की लगती है आपको? नहीं, खत्म तो नहीं करेगा। आप वास्तव मुस्लिम समाज से भी रखते हैं। खत्म तो नहीं होगा, खत्म तो नहीं होगा। देखने वाली बात यह है कि ये जो इसमें जो संशोधन आ रहा है उसमें अगर मुस्लिम अज्ञानता का परिचय दिया जाएगा, फिर आप ये भी कह रहे हैं खत्म नहीं होगा? नहीं, आप तो ये भी जी आप तो रहेगा। समय समय के साथ साथ किसी का संशोधन किया जाना, सुधार किया जाना तो लाजमी हो जाता है सर। सुधार किया जा रहा है और अच्छे के लिए सुधार हो रहा तो कोई बुराई नहीं है। सरकार बहुत कब्जे करे हुए हैं वक्फ बोर्ड पे, बहुत कब्जे है, नाजायज कब्जे है। क्या लगता है सरकार की नीयत उसको निकालने की है तो बहुत अच्छा है। क्या लगता है सर, आप जैसा सरकार जैसे संशोधन करे वो कब्जा मुक्त हो जाएगा वक्फ का जो संपत्ति है? अगर सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता, तो उसमें मुस्लिम का ऐत क्या आ रहा है? सब कुछ हो सकता है। नहीं, मुस्लिम अपना ऐत क्यों समझ रहा है? उसकी संपत्ति बाहर आ रही है, सरकार उसकी नुमाइंदगी करेगी, सरकार उसको बाहर निकालेगी, संशोधन उसमें हो जा रहा है, तो मुस्लिम का इसमें क्या? अभी भी सरकार के हाथ में सब कुछ, अभी कौन सा हमारे हाथ में है? वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, उनके चेयरमैन है, उनके मंत्री है, तो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में तो आज भी नहीं, सरकार के हाथ। हिंदू मुस्लिम का विरोध क्यों है फिर? किसी भी कोई भी सरकार फैसले लेने चलती है तो हिंदू मुस्लिम सड़कों पे आते हैं कि उसको अपना हित अहित देखते हैं कि जैसे ये हो जाएगा, भूचाल आ जाता है। अभी मैंने देखा है कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो, वक्फ बोर्ड संशोधन आ रहा है, आपको ऐसा करना है, ऐसे बटन दबाना है, सोशल मीडिया पे तमाम तरह के विरोध, कुछ मुस्लिम लोग सड़कों पे जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये सारी समझ की बात है। अब 370 धारा खत्म हुई, उससे हमारे पे क्या फर्क पड़ा? सिर्फ एक ही तो नहीं, मुस्लिम को नहीं ले सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को यह क्या नुकसान हुआ 370 से? नहीं, जमीन लेंगे वो वहां पे जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लेंगे, आपस में खरीदेंगे बेचेंगे। 370 तो उत्तराखंड में भी है। मैं कह रहा हूँ सर, अब से पहले किसने जमीन लिए जाके वहां पे? किसने नहीं ली। आपको जमीन खरीदनी, बहुत सारी यहाँ खरीद सकते हैं। इतना उसको उसका शोर मचा कि उसको, अगर किसी राज्य को सेफ कर रही है सरकार तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। संशोधन बिल अगर ला रही है वक्फ बोर्ड को लेके, मुस्लिम अहित क्यों मान रहा है कि मेरा अहित हो जाएगा, वक्फ बोर्ड जाएगा, सरकार की नीयत खराब है, कब्जा ली जाएगी? ऐसे संविधान को लेके जाए जिस तरह का जाए दुष्प्रचार कहूंगा मैं तो, कि संविधान नहीं बदला जा सकता। संविधान तो नहीं बदला जा सकता। जाए अगर कोई इसको बगलाने का काम कर रहा है, कहने की संशोधन तो होता है, होते रहे। संशोधन तो सर जरूरी है। अब ये एक राष्ट्र एक देश एक चुनाव जो ला रहे हैं, ये भी तो संशोधन होगा। क्या आपसे पहले संशोधन नहीं हुआ सर? तमाम संशोधन नहीं है, होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। परिवर्तन तो नियम है, दुनिया का सृष्टि का नियम है, तो होते रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शक ये जानना चाह रहा है, मुसलमान का आखिर नुकसान क्या है? बड़ा सवाल है सर ये। और आप तीन पहलुओं पे रहते हैं, मुस्लिम से भी आपका वास्ता रहता है, आपका वास्ता जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति से भी है, आपका वास्ता जो है भाजपा की गवर्नमेंट से भी है, आप कहने के उसमें भी जो है अपना नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस पार्टी से आप वास्ता रखते हैं, तो मुस्लिम का नुकसान क्या है सर? टोटल कौम का तो मैं नहीं समझता कोई नुकसान है। टोटल कौम का विरोध आखिर क्यों? राजनीति भी हो सकता है। आप अच्छा करो या बुरा करो, हमें तो विरोध करना है, देखना हमारा ऐसा ही है, कितने अच्छे काम कर लो विरोध, जबकि अच्छे काम का विरोध नहीं होना चाहिए। भाजपा से वास्ता रखते हैं आप, जो मुस्लिम समाज से आप आते हैं, क्या आपको लगता है कि भाजपा गवर्नमेंट जो है किसी तरह का मुसलमानों को नुकसान दे रही है? कोई एक योजना, कोई एक पॉलिसी है जिसमें जो मुसलमानों को बीजेपी ने नुकसान किया है? मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू हो चुका है, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस टर्म को जो है, योगी जी का दूसरा टर्म चल रहा है, 2017 से उनकी सरकार चल रही है, क्या लगता है कि देश प्रदेश में कोई एक एक पॉलिसी है जिसमें जो मुसलमानों को अहित किया गया हो, ऐसी कोई पॉलिसी? ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई, हर जो भी पॉलिसी आई वो सबको फायदा पहुंच रहा है। लड़कियों की शादी हो रही, सबकी हो रही है, सबकी हो रही है, मकान बन रहे हैं, सबके बन रहे हैं। हालांकि मैं बीजेपी से वो नहीं है कि मैं बीजेपी की आपके सामने तारीफ कर रहा हूँ, जितनी योजना है उसका लाभ सबको मिल रहा है, कोई इसमें फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक देश एक चुनाव हो जाता है तो कोई फर्क नहीं है,
अच्छी बात है सर। नेतागिरी नेता, मैं समझता हूँ कि नेतागिरी में पर कतर दिए जाएंगे लोगों के, भाई अलग अलग चुनाव रहेंगे तो अलग अलग रुतबा रहेगा, अलग अलग दबाव रहेगा, उन पर दबाव रहेगी अपने। आज चुनाव पे कितना खर्चा आता है वो सारा लोड किस पे पड़ता है, हमारे पे, जनता पे, वो कम होगा सर। मैं समझता हूँ पांच साल में चुनाव नहीं है, 5 महीने बाद चुनाव है हिंदुस्तान में। हाँ बिल्कुल है, आज प्रधानी भाई, आज प्रधानी का, सोसाइटी का, गन्ने वाले का, आज किसी चीज का, और आज स्कूल का, और आज फलाने का, लगातार चुनाव ही चुनाव, संवैधानिक चुनाव जो लगातार लगातार देखा जाए, आज पंचायत का हो रहा है, आज निकाय का हो रहा है, उसके हो रहा है। जब एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो मैं समझता हूँ तो गवर्नमेंट का खर्च बहुत बचेगा, और एक टाइम में होगा निमटा, विकास करो अपना भी। अब आचार संहिता लगी 4 महीने के लिए गए, सारे विकास रुक जाएंगे, सारे विकास रुक जाएंगे। लेकिन मोदी जी तो बैठे बैठे विपक्ष को मुद्दा दिया, विरोध कर रही है, विपक्ष तो विरोध कर रहा है। खड़गे जी का बयान देख रहा था मैं सुबह, तो वो कह रहे थे कि ये नहीं नहीं गलत है। किनका? खड़गे जी, खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस, खड़गे अच्छे वो तो विरोध करना ही करना है, अच्छा काम करो तो विरोध है, अच्छे काम का विरोध नहीं करना चाहिए, तभी हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा। हाँ गलत काम उसका विरोध है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे काम में भी विरोध। मैं नहीं समझता कि ये जो ला रहे हैं मोदी जी, और कैबिनेट में पास हो चुका, जो अगला हमारा तीर्थकाल क्षेत्र चलेगा उसमें वो पेश किया जाएगा, ये अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। और उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि ये खूबसूरती कहूँगा, अभी मैं देख रहा था उस कमेटी में जितने मेम्बरान हैं सभी, तो जो प्रभावित करने वाले दल हैं सभी दलों के, जो नुमाइंदगी करने वाले जो राज्यसभा से भी और आपके लोकसभा से भी, जो 31 मेंबरों को उसमें लिया गया है, और उनकी एक समन्वय समिति जो रहेगी पूरी जांच करने के बाद वो रिपोर्ट्स देंगे। अगले जो हमारा क्या कहते हैं जो नया सदन शुरू होगा हमारा, ये शीतकालीन, तो उसके अंतिम सप्ताह में जाकर रिपोर्ट उसकी पेश की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो शायद ऐसी कोई रिपोर्ट्स बाहर नहीं आएगी उस समिति से जो किसी का अहित करने वाली हो। लेकिन जनता में जिस तरह का जो विरोध बना हुआ है, मुस्लिम भी जो सक्रिय हो गए, हिंदू भी सक्रिय हो गए, हिंदू चाहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, वक्त खत्म हो जाना चाहिए, मुस्लिम चाहते हैं कि संशोधन नहीं होना चाहिए, ये किस तरह की धार्मिक भावना जो है। ये तो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, अपने आप सब शांत हो जाएगा, उससे पहले पहले ही चलेगा, ये रिपोर्ट आएगी, सब नुमाइंदे उसमें सबकी सहमति से रिपोर्ट बनकर। भाजपा की भाषा बोल रहे हैं आप, उसकी नहीं, मैं भाजपा की भाषा नहीं, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, जो मुस्लिम की भाषा है वो बात नहीं कहना चाह रहे, जो मुस्लिम जो विरोध कर रहा है। नहीं आप अनजान बन गए कि मुझे नहीं जानकारी है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छा ऐसी बात नहीं है। मैं देख जब एक कमेटी सरकार ने बना दी, इसीलिए तो बनाई कि सही काम होना चाहिए जो भी है, तो वो उसकी रिपोर्ट आएगी। एक सवाल आपसे, मैंने आपसे, मेरे ख्याल में सभी उसमें सबको मंजूर हो जाएगी। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि बाहसियत आप मुस्लिम है, मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम धर्म से वास्ता रखते हैं, 5 समय नमाज पढ़ते हैं और दीन मानने वाले व्यक्ति हैं, भाजपा से भी आपका वास्ता है, कोई एक केवल एक कि जिसमें जो मुस्लिम का विरोध किया गया, विरोध आभास की कहीं ना कहीं बदबू आ रही है, कोई फैसला आपको लगता है कि सरकार के द्वारा लिया गया, क्या सरकार के द्वारा या कोई ऐसा फैसला लिया गया? अरे भागरा, मुझे लगता भी उसके ऐसा कोई फैसला लिया गया, संशोधन जीपीसी पे छोड़ दिया, प्रस्ताव आया, अब उसकी राय ली जा रही है, इस पे एक बवाल शुरू हो गया। मतलब ये लगता है कि सरकार अगर संशोधन चाहती है उसमें मुसलमान का कोई अहित नहीं होगा, ये मानना है। ऐसे लग रहा है सरकार जाए सभी के हित के लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास है, उस पर काम कर रही है सरकार जाए। और यही बात आप जो एक राष्ट्र एक चुनाव पर आप बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा, देश के लिए हित में है। इससे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ 47, उसके बाद एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव ही तो था, उसके बाद सरकारें गिरती चली गई, बीच बीच में
ये बढ़ता चला गया, ज्यादा बढ़ता गया चला गया, अब फिर वही हो जाएगा। तो कौन बाहर विदेशों काम तो होती रहा है, बाहर विदेशों में देखा जाए तो जैसा एक राष्ट्र एक चुनाव वहाँ पे पहले से रहते, एक चुनाव में सब चुनाव हो जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छी बात, ये तो 47 में एक राष्ट्र एक चुनाव था, चर्चा दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं हम लोग। चर्चा ये है कि यह जनसंख्या नियंत्रण विजय बिल लाया जाएगा सदन में, कैसे देखते हैं आप उसको? वो जब आएगा तब की बात है, अभी तो नहीं आया, तैयारी नहीं है चले बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये कहने की बीजेपी से वास्ता रखते हुए अपनी बात रखी है, अहित नहीं होगा मुसलमान का, सरकार जो चाह रही है देश हित में चाह रही है, सरकार के पक्ष में जय जय हसन चांद मियां साहब हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।